आदमी मरा अमेरिका में, एडगर कायसी, 40 साल पहले 1905 में वो बीमार पड़ा और बेहोश हो गया और 3 दिन कोमा में पड़ा रहा। चिकित्सकों ने आशा छोड़ दी और चिकित्सकों ने कहा कि हमें इसे कोमा के बाहर, बेहोशी के बाहर लाने का कोई उपाय नहीं सूझता और बेहोशी इतनी गहन है कि अब ये शायद ही वापस लौट सके। 30 दिन सारी आशा छोड़ दी गई, सब दवाइयां सब इलाज कर लिए गए लेकिन होश का कोई लक्षण नहीं था। 30 दिन शाम को चिकित्सकों ने कहा कि अब हम विदा होते हैं क्योंकि अब हमारे बस के बाहर है, 4-6 घंटे में युवक मर जाएगा और अगर बच गया तो सदा के लिए पागल हो जाएगा, जो कि मरने से भी बुरा सिद्ध होगा क्योंकि इतनी देर में इसके मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो विसर्जित हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। अचानक चिकित्सक हैरान हुए, वो जो बेहोश कायसी पड़ा था बोला, वो बेहोश था 3 दिन से, वो बोला जैसे कि कोई गहरी नींद से अचानक बोल उठे। हैरानी और ज्यादा हो गई क्योंकि उसका कोमा जारी था, उसका शरीर अभी भी पूरी तरह कोमा में था, उसके हाथ में आप छुरी भी भोंक दें तो पता नहीं चलती थी। लेकिन वाणी आ गई और कायसी ने कहा कि शीघ्रता करो, मैं एक वृक्ष से गिर पड़ा था और मेरी रीढ़ में पीछे चोट लग गई है और उसी चोट के कारण मैं बेहोश हूं और अगर 6 घंटे मुझे ठीक नहीं किया गया तो बीमारी का जहर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा, फिर मेरा जिंदा बचने का कोई अर्थ नहीं, और इस नाम की जड़ी बूटियां ले आओ और उनको इस तरह से तैयार करके मुझे पिला दो, मैं 12 घंटे के भीतर ठीक हो जाऊंगा। और कायसी फिर बेहोश हो गया। जो नाम उसने लिए थे जड़ी बूटियों के, आशा भी नहीं हो सकती थी कि कायसी को उनका पता हो क्योंकि वो कोई चिकित्सा से उसका कभी कोई संबंध नहीं था। चिकित्सकों ने कहा और तो करने का कोई उपाय नहीं है, ये निपट पागलपन मालूम पड़ता है क्योंकि ये जड़ी बूटियां इस तरह का काम करेंगी ये हमको भी पता नहीं, लेकिन जब कोई उपाय ना हो तो हर्ज कुछ भी नहीं। वे जड़ी बूटियां खोज ही गई, जैसा बताया था कायसी ने वैसा बना के उसे दिया गया। 12 घंटे में वो होश में आ गया और बिल्कुल ठीक हो गया, और होश में आके वो ना बता सका कि उसने ऐसी कोई बात कही थी या ये दवाइयों के नाम भी ना पहचान सका, वो जो जड़ी बूटियां उसने कही थी कि मैं इनके नाम भी पहचानता हूं। उसने कहा ये हो ही कैसे सकता है, मुझे तो कुछ पता नहीं। और तब एक बहुत अनूठी घटना की शुरुआत हुई। फिर तो कायसी इसमें कुशल हो गया और उसने अमेरिका में 30,000 लोगों को अपने पूरे जीवन में ठीक किया, और जो भी निदान उसने किया वो सदा ठीक निकला और जो मरीज उससे निदान लिया वो सदा ठीक हुआ निरपवाद रूप से। लेकिन कायसी खुद भी नहीं समझा सकता था कि उसे होता क्या है, इतना ही कह सकता था कि जब भी मैं आंख बंद करता हूं कोई निदान खोजने के लिए मेरी दोनों आंखें ऊपर चढ़ जाती, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी पुतलियों को ऊपर खींचे जा रहा और फिर मेरी दोनों आंखें भ्रू मध्य में ठहर जाती हैं और तब मैं इस लोक को भूल जाता, फिर मुझे पता नहीं क्या होता है, इसे मैं भूलता हूं इसका मुझे पता है, दूसरा क्या होता है उसका मुझे कोई पता नहीं, लेकिन जब तक मैं इसको नहीं भूल जाता तब तक वो जो निदान मैं देता हूं वो नहीं आता है। निदान उसने ऐसे ऐसे दिए कि एक दो निदान सोच लेने जैसे। रथचाइल्ड अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति परिवार है, उसकी एक महिला बीमार थी और कोई इलाज नहीं बचा था, सब इलाज हो गए थे। फिर कायसी के पास उसको लाया गया, कायसी ने एक दवा का नाम दिया अपनी बेहोशी में, हमारी तरफ से हम कहेंगे बेहोशी, जो जानते हैं उनकी तरफ से तो वो हमसे बड़े होश में है, जो जानते हैं उनके लिहाज से तो हम बेहोश हैं। सच तो यह है कि जब तक तीसरी आंख तक ज्ञान न पहुंचे तब तक बेहोशी जारी रहती है, पर हमारी तरफ से कायसी ने आंख बंद की, वो बेहोश हुआ और उसने एक दवा का नाम बताया। रथचाइल्ड तो अरबपति परिवार था, सारी अमेरिका में खोजबीन की गई वो दवा कहीं मिली नहीं, कोई ये भी ना बता सका कि इस तरह की कोई दवा है भी।
फिर सारी दुनिया के अखबारों में विज्ञापन दिया गया कि कहीं से भी इस नाम की दवा। कोई 20 दिन बाद स्वीडन से एक आदमी ने जवाब दिया कि इस नाम की दवा है नहीं, 20 साल पहले मेरे पिता ने इस नाम की दवा पेटेंट करवाई थी लेकिन फिर कभी बनाई नहीं, वो सिर्फ पेटेंट है, कभी बाजार में आई नहीं। दवा भी हमारे पास नहीं, पिता मर चुके हैं और वो कभी प्रयोग सफल हुआ नहीं। सिर्फ फार्मूला हमारे पास है, वो हम पहुंचा देते, वो फार्मूला पहुंचाया गया, वो दवा बनी और वो स्त्री ठीक हो गई। लेकिन वो दवा कहीं थी नहीं दुनिया के बाजार में कि जिसका कायसी को पता हो सके। दूसरे एक घटना में उसने एक दवा का नाम लिया, बहुत खोजबीन के लिए वो दवा नहीं मिल सकी। साल भर बाद अखबारों में उस दवा का विज्ञापन निकला। वो दवा उस वक्त बन रही थी किसी प्रयोगशाला में जब उसने कहा था, तब तक उसका नाम भी तय नहीं हुआ था, पर जो नाम उसने साल भर पहले दिया था उस नाम की दवा साल भर बाद बाहर आई और उसी दवा से वो मरीज ठीक हुआ। और कई बार तो उसने दवाएं बताई जो खोजी नहीं जा सकी और मरीज मर गए। वो भी कहता था मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ की बात नहीं, मुझे पता नहीं कि जब मैं बेहोश होता हूं तब कौन बोलता है, कौन देखता है, मुझे कुछ पता नहीं, मुझ में और उस व्यक्तित्व में कोई भी संबंध नहीं है। पर एक बात तय थी कि कायसी जब भी बोलता तब उसकी दोनों आंखें चढ़ गई होती। आप भी जब गहरी नींद में सोते हैं तो आपकी दोनों आंखें जितनी गहरी नींद होती उतनी ऊपर चली जाती। अब अभी तो बहुत से मनोवैज्ञानिक नींद पर बहुत से प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी आंख की पुतली कितने ऊपर गई है इससे तय किया जाता है कि आप कितनी गहरी नींद में है। जितनी आंख की पुतली नीचे होती है उतनी गतिमान होती है, ज्यादा मूवमेंट होता है, और आंख की पुतली में जितनी गति होती है उतनी तेजी से आप सपना देख रहे होते हैं। यह सब सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक परीक्षणों से। उसको वैज्ञानिक कहते हैं REM, REM, रैपिड आई मूवमेंट। तो REM की कितनी मात्रा है उससे तय होता है कि आप कितनी गति का सपना देख रहे हैं। और आंख की पुतली जितनी नीचे होती REM की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती, जितनी ऊपर चढ़ने लगती REM, वो जो आंख की तीव्र गति है पुतलियों की वो कम होने लगती है। और जब बिल्कुल ठिर हो जाती है आंख वहां जाके जहां की दोनों आंखें मध्य में देखती हैं ऐसी प्रतीत होती हैं, वहां जाके REM बिल्कुल ही बंद हो जाता है, बिल्कुल पुतली में कोई तरह की गति नहीं रह जाती। वो जो अगति है पुतली की वही गहन से गहन निद्रा है।